नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पूर्णिया के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने सरेंडर कर दिया है। सोमवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आरोपी पुत्र राजा अब भी फरार है। मामले में अवधेश मंडल के अधिवक्ता जय हिंद कुमार ने कहा कि गोपाल यादव का हत्याकांड में अवधेश मंडल को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले को लेकर अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया और बेल पिटीशन फाइल किया। सीजीएम कोर्ट ने उनके बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब वो सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। अवधेश मंडल के भाई संजय कुमार मंडल ने कहा कि इस मामले में गोपाल यादुका के परिजनों ने डीआईजी, एसपी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस मामले में आरोपी अवधेश मंडल और उनका बेटा राजा नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन राजनीति के तहत दोनों को फंसाया जा रहा है। पूर्णिया पुलिस ने पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा को गोपाल यादुका की हत्या का साजिशकर्ता बनाया है। हत्याकांड के बाद से दोनों फरार थे। इससे पहले दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रूपौली विधानसभा के पूर्व विधायक बीमा भारती के घर पर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया था। इसके बाद अवधेश मंडल ने सरेंडर किया था। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या इस मामले में बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जब से यहाँ पर राजा और उनके पति अवधेश मंडल पर इस मामले में कार्रवाई जारी है तब से कहीं ना कहीं बीमा भारती फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा गया जिस तरीके से रूपौली विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ बीमा भारती को करारी शिकस्त मिली, साथ ही उससे पहले लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव के सामने बीमा भारती हारती हुई नजर आई, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लंबे अरसे से बीमा भारती राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद यहाँ पर करारी हार का सामना करती हुई नजर आई, तो आने वाले समय में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी उनको कोई नई जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आती है, क्या बीमा भारती राजनीति में बनी रहेंगी या फिर आने वाले समय में बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से बीमा भारती लोकसभा चुनाव के दौरान भी फंसती हुई नजर आई, तो अब ऐसे में क्या वाकई आने वाले समय में उनके पति अवधेश मंडल और बेटे राजा की वजह से बीमा भारती का राजनीतिक भविष्य खत्म होगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।